तो अब पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में सेक्शन नंबर टू, सेक्शन नंबर वन किया हमने थियोरी, अब सेक्शन नंबर टू में प्रैक्टिकल। सेक्शन नंबर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छा प्रैक्टिकल में थोड़ा सा। अब कितने टाइप के प्रैक्टिकल्स आए हैं? तो अभी तक दो टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुके हैं। एक आया हुआ है सीपीपीआई से और एक आया है कांस्टेंट रेशियो प्लान से। तो लिख लेते हैं, दे आर टू प्रॉब्लम्स, देयर आर टू प्रॉब्लम्स इन पोर्टफोलियो रीबैलेंस। फर्स्ट टाइप नंबर वन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो टाइप नंबर वन क्वेश्चन आया है सीपीपीआई, कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी। और टाइप नंबर टू, और ये आया है कांस्टेंट रेशियो प्लान। ठीक है, ये तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में भी मिलेगा। तो सबसे पहली जो बात करेंगे वो करेंगे टाइप नंबर वन, सीपीपीआई। अच्छा तो याद करो यार, हम लोगों ने सीपीपीआई में क्या पढ़ा था? सर, सीपीपीआई में हमने ये पढ़ा था कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो हम बॉन्ड से पैसा निकालेंगे और शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, और शेयर का प्राइस कम होगा तो हम शेयर बेच देंगे और वो पैसा बॉन्ड में हम लगा देंगे। ये बात हमने पढ़ा हुआ है सीपीपीआई में। तो अब सीपीपीआई ने एक इक्वेशन दिया, थोड़ा बहुत लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द इक्वेशन इज गिवन इन कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, और इक्वेशन ये है ई इज इक्वल टू एम ए माइनस एफ। सर ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब हो गया इक्विटी। ये समझाऊंगा ये इक्वेशन क्या बोलता है। सर ए का मतलब एसेट्स, दैट इज बॉन्ड्स प्लस इक्विटी। सर एफ का मतलब फ्लोर वैल्यू, फ्लोर। और सर एम का मतलब मल्टीप्लायर। सर ये क्या बोलता क्या है एक्चुअली, आप बताओगे ये क्या मतलब क्या है इसका? हाँ बेटे सुनोगे, बस मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट पोर्टफोलियो मैनेजर, और मेरे पास कोई क्लाइंट आया और बोलता है यार मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो। उसने कुछ पैसे लेके आया, करीब करीब 500 लाख रुपए लेके आया। वाह, 500 लाख। मैंने कहा ठीक है, 500 लाख करना क्या है? बोले मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो, आप कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगाओ, इक्विटी में लगाओ और मुझे कमा कर दो, मैं आपको फीस दूंगा। ऐसा मेरा जो क्लाइंट है ना उसने बोला। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ चलो यार पूरा लगा देता हूँ इक्विटी में, किसी भी कंपनी में लगा दूं, पर एक दिक्कत है, बढ़ेगा तो ठीक
और कम हो गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम जैसा सोचते हैं उसका अपोजिट हो जाए। मैंने सोच समझ के सही जगह लगा रहा हूं सामने वाले क्लाइंट का पैसा, और अपोजिट हो गया और बर्बाद हो गया तो क्लाइंट तो मुझे बोलेगा। तो फिर मैंने क्लाइंट से बोला, अच्छा, मैंने कहा सुनो क्लाइंट भैया, 500 लाख रुपए तो मैं लगा रहा हूं, पर यार भगवान ना करे पर लॉस हो गया तो आप कितने रुपए तक का पोर्टफोलियो लॉस बियर कर सकते हो? मतलब यार, कम से कम आपको, आप मुझे 500 लाख दे रहे हैं, बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कम हुआ, कम हो गया, तो कम से कम आप मुझसे वापस, बुरा से बुरा होता है तो कितना, और कम से कम कितना वापस लेना चाहोगे? वो बोलता भैया 450 लाख रुपए तो दे ही देना, 50 लाख चल जाएगा, बढ़ा दो, पर अगर भगवान ना करे बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए तो मुझे कम से कम 450 लाख रुपए चाहिए। समझना बेटे, टोटल उसने पैसा कितना दिया? 500 लाख। और वो मिनिमम मुझसे कितना मांग रहा? 450 लाख तो वापस करोगे ही, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन क्यों ना जाए। इट मींस एक फ्लोर, मिनिमम वैल्यू मुझसे वो 450 लाख रुपए मांग रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं डिसाइड करूंगा। इट मींस उसने मुझे आजादी दे रखा है, कितने रुपए की आजादी दे रखा है? 450 लाख रुपए उसको वापस करना। बोले 50 लाख जहां खेलना खेलो, डेरिवेटिव में लगाओ, इक्विटी में लगाओ, ऑप्शन, फ्यूचर, जो करना करो, 50 लाख का बिल्कुल आप आजाद हो, लेकिन 450 लाख तो भाई मुझको चाहिए। इसका मतलब है कि 450 लाख सोच के देखना, मेरे पास टोटल कितना है? 500 दिया और उसको कम से कम कितना चाहिए? 450। इसका मतलब 500 है टोटल एसेट, माइनस उसको चाहिए 450, तो मैं कितने रुपए के लिए आजाद हूं? 50 लाख के लिए। अगर यहां मल्टीप्लायर जैसी कोई चीज नहीं होती, समझने, तो इसका मतलब यार मैं एक काम करता हूं, इक्विटी में 50 लाख लगाता हूं, और बॉन्ड्स का मतलब मैं मानता हूँ रिस्क फ्री में 450 लाख रुपया लगा देता हूँ, तो रिस्क फ्री का तो पैसा लगे मिलेगा ही मिलेगा, इसका बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कम होगा तो भी, पूरा भी हो, जीरो भी हो जाएगा, तो 450 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या काम करना है? और मैं सोच रहा हूँ, हाँ यार, मैंने कहा अब क्लाइंट, मैं एक काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ 450 लाख रुपए मैं बॉन्ड्स में लगा देता हूँ और 50 लाख इक्विटी में लगाया देता हूँ। भगवान ना करे कि इक्विटी में जो पैसा लगा रहा हूँ वो जीरो हो जाए, जीरो तो भी तो 450 लाख रुपए, सामने वाला ये तो बोल रहा ना कि वो 450 लाख रुपए मुझसे मिनिमम चाहता ही चाहता। लेकिन यार ये तो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच है। कंजर्वेटिव का मतलब यार मैं बहुत ही डर के काम कर रहा हूँ। अगर मैं 50 लाख इक्विटी में लगा रहा हूं तो ये सोच के कि इक्विटी जीरो हो जाएगा, बुरा से बुरा, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा होगा नहीं भाई, इक्विटी का कुछ पैसा तो बचेगा ना। इसलिए ना मल्टीप्लायर हम 50 नहीं लगाएंगे, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, तो मल्टीप्लायर 1 होता तो 50 लाख इक्विटी में लगाते, बॉन्ड में 5.5, लेकिन मल्टीप्लायर यहाँ 1.5 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, तो मल्टीप्लायर जनरली 1 से ज्यादा होता है। इट मीन्स हमें आजादी है 50 लाख में खेलने की, कि 50 लाख खेल सकते हो, लेकिन मैं इक्विटी में पैसा जो लगाऊंगा वो 50 लाख से ज्यादा ही लगाऊंगा। तो फ्लोर क्या चीज है और मल्टीप्लायर क्या चीज है, बस यही बात समझना है। फ्लोर क्या चीज है? फ्लोर ये है कि यार क्लाइंट ने हमको पैसा दिया है और क्लाइंट ने हमें खेलने के लिए पैसा दिया 500 लाख, लेकिन वो मिनिमम बोलता है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए मेरा पोर्टफोलियो, और मिनिमम वैल्यू उसने 450 लगाया, क्योंकि क्लाइंट भी जानता है कि वो कितना रिस्क असेस करने के बाद वो हमको बता देता है, स्पेसिफाई कर देता है कि हमको 450 लाख रुपए चाहिए। दिस इज फ्लोर। मल्टीप्लायर क्यों लिखा? मल्टीप्लायर इसलिए लिखा, अगर मल्टीप्लायर 1 है तो मैं इक्विटी में कितना पैसा लगा सकता हूँ? 50। पर कंजर्वेटिव अप्रोच है, जबकि यार ये जीरो थोड़ी ना होगा, तो थोड़ा 50 से ज्यादा लगाओ भाई, 50 पे तो आप आजाद हो। अगर ये जीरो होगा तो भी तो 450 लाख है, तो भी तो आप 50, जीरो थोड़ी ना हो सकता प्रैक्टिकल, इसलिए 50 से थोड़ा सा ज्यादा लगा सकते हो, तो मल्टीप्लायर जनरली 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये बताता, अभी मैंने सीपीपीआई फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा ये नहीं बताया, अभी मैंने बताया कि इस तरह से आप पैसा लगाओगे इक्विटी में, फॉर्मूला दिया है ए माइनस एफ, जो भी डिफरेंस आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, अच्छा, और ये रीबैलेंस आप हर क्वार्टर
क्वार्टरली कर सकते हो, 6 मंथली कर सकते हो, 10 10 दिन के अंतर में कर सकते हो, अब क्वेश्चन बताएगा उसके हिसाब से काम कर। तो ठीक है, तो फ्लोर का मतलब क्या हुआ, पहले फ्लोर का मतलब समझते हैं। फ्लोर, तो लिखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। इन्वेस्ट, क्लाइंट मनी इन मार्केट, बट इट मे बी पॉसिबल मार्केट में गो अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा सकता है इन दिस सिचुएशन। क्लाइंट शुड असेस हिज रिस्क प्रोफाइल एंड स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू, लिमिट लिखवा रहा था, बिलो विच पोर्टफोलियो नॉट फॉल, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो नॉट फॉल, ऐसा कर लीजिए। एंड सच मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड, क्या बोलते हो बेटे, इसी मिनिमम वैल्यू को फ्लोर वैल्यू। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। फ्लोर वैल्यू मतलब क्लाइंट स्पेसिफाई कर देगा कि भैया इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, दिस इज फ्लोर वैल्यू। और एक क्या चीज थी, मल्टीप्लायर, सर ये मल्टीप्लायर क्या है, सपोज एम इज इक्वल टू 1, इट मीन्स वी इन्वेस्ट इन इक्विटी ए माइनस एफ, वही, बट इट इज ओवर कंजर्वेटिव, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, क्योंकि सिर्फ ए माइनस एफ ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे। एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल,
टू डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू जीरो, जीरो हो ही नहीं सकता, हेंस मल्टीप्लायर शैल बी मोर देन वन, तो मल्टीप्लायर एक से ज्यादा होता। फिर भी इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी जो समझा रहा था ना, इसी जो एग्जाम्पल ले रहा था इसी से रिलेटेड मैं एक आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल, ठीक है। तो बेटे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एसेट्स आज मान लो है 500 लाख, ठीक है। फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं 450 लाख, ठीक है। इसके अलावा रिस्क फ्री रेट 6% पर एनम, रिस्क फ्री मतलब मैं बॉन्ड को रिस्क फ्री मानते हुए चलूंगा, ठीक। और मल्टीप्लायर ले लेते हैं 1.25, फिर मैं लिख रहा हूं आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस बाय 20%, 20% से बढ़ गए और रीबैलेंसिंग कब कर रहे हैं, रीबैलेंसिंग इन एवरी 6 मंथ, हर 6-6 माह में रीबैलेंसिंग कर रहे। तो निकालना कैलकुलेट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड इक्विटी टुडे एंड आफ्टर 6 मंथ, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं आज की, टुडे। टुडे टाइम को मैं बोल रहा हूं आज का T0, T0। अब T0 तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला E इज इक्वल टू मल्टीप्लायर ए माइनस एफ। तो देखो मल्टीप्लायर कितना, मल्टीप्लायर है बेटे 1.25, पोर्टफोलियो कितने का 500 लाख, माइनस 450 लाख, ठीक है। तो देखते हैं इक्विटी में कितना पैसा लगाएंगे, 500 माइनस 450 इंटू 1.25, तो 62.5, थोड़ा सा ज्यादा 62.5 लैक्स। तो बॉन्ड्स में कितना पैसा लगाओगे, बॉन्ड्स में टोटल एसेट्स कितना है 500 लाख माइनस 62.5, जबकि आप इक्विटी में लगा दोगे तो बचेगा कितना।
तो बेटे 500 था टोटल पैसा, उसमें से 62.5 आपने लगा दिया किसमें, इक्विटी में। तो बॉन्ड में कितना आएगा, 500 माइनस 62.5, तो ये आ गया 437.5। तो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि भाई आज मैंने इक्विटी में लगाया 62.5 और बॉन्ड्स में लगा दिया रिस्क फ्री में 437.5। अब बात करते हैं आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ्स क्या होने वाला, तो 6 महीने बाद इक्विटी का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया सर। यस, कितना लगाया था हमने, 62.50। कितने परसेंट से बढ़ गया, बोले 20% से, 1.20। तो चेक कर लेते हैं, 62.5 इंटू 1.2, तो इक्विटी हो गया 75 लाख। सर बॉन्ड भी तो इंटरेस्ट मिलाकर हो जाएगा। हाँ बेटे, हमारे प्रैक्टिस वन में जो क्वेश्चन दिया उसमें इंटरेस्ट का कहीं कोई चक्कर नहीं है, पर अब हमको तो लेना पड़ेगा। हमने बॉन्ड्स में कितना लगाया था, 437.50। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क फ्री कहीं लिखा था कि यस, कितना परसेंट लिया था मैंने, 6% साल भर का, 6 महीने का कितना, 3%। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 430 इंटरेस्ट मिलाकर 437.5 इंटू 1.03, तो ये हो गया बेटे 450.625। तो टोटल मिलाकर प्लस 75। एसेट्स कितनी हो गई, एसेट्स हो गई टोटल 525.625। दिस इज टोटल एसेट्स। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, इस 6 महीने बाद रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। और रीबैलेंसिंग के लिए अब हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, ई इज इक्वल टू मल्टीप्लायर ए माइनस एफ। मल्टीप्लायर तो कितना है, 1.25। ए का मतलब टोटल एसेट्स, अब कितना हो गया, 525.625। फ्लोर सर, फ्लोर तो 450 ही रहेगा, बिल्कुल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो 450 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फ्लोर की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और 450 में आपको इंटरेस्ट मिलाकर फ्लोर वैल्यू निकालना पड़ेगा, 450 इंटू 1.03। तो अब फ्लोर वैल्यू हो गई 463.50। तो 525 माइनस 525.625 माइनस 463.50 इंटू 1.25, तो इक्विटी में लग गया 77.65625। तो बॉन्ड्स में कितना पैसा लगा होगा, टोटल मेरा एसेट कितने का था, 525625, उसमें से इक्विटी में आपने रिबैलेंसिंग कर दिया और यहां लगा दिया 65625, तो माइनस 525.625, तो यहां आ गया 447.96875 लैक्स। तो अल्टीमेटली रिबैलेंसिंग में हुआ क्या है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, इक्विटी था कितने का सर, 75 लाख का था, ठीक है बढ़ने के बाद, लेकिन अब इक्विटी रिबैलेंसिंग पे कितना आ गया, 77.65। क्या आपने इक्विटी में पैसा लगा दिया और यस बढ़ा दिया कितने से, 77.65625 माइनस 75, आपने वैल्यू बढ़ाया इक्विटी की 2.65625। बॉन्ड में कितना पैसा था, 450.625, अब बॉन्ड्स में पैसा कितना है, ये कम हो गए माइनस 447
0.96875। तो बॉन्ड से पैसा निकाला आपने इतना ही, और पैसा कहाँ लगा दिया? इक्विटी। और सीपीपीआई क्या बोलता है? सीपीपीआई बोलता है जो चीज बढ़ती है ये बढ़ा, तो इसमें आपने इक्विटी बढ़ा तो इक्विटी में और पैसा लगा दिया और बॉन्ड को थोड़ा सा हल्का कर दिया, और यही तो सीपीपीआई में हमने पढ़ा था। हाँ जी, तो फंड ट्रांसफर फ्रॉम बॉन्ड टू इक्विटी बाय रुपीस 2.62, ऐसा कुछ आपने निकाला था। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं और इस तरह से आपको बनाना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एक बार सीपीपीआई का। सर क्यों ना वो एग्जाम का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल सही, तो वही वाला मैं क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो हमारी बुक में है क्वेश्चन नंबर कौन सा मिलेगा बेटे? लास्ट लास्ट चल रहा, तो क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 और आपको मिलेगा पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 81, पेज नंबर 24, ठीक है। बस यही काम करना होता हमें। रीबैलेंसिंग जब तक बोलेगा 6-6 माह का, तब तक हम रीबैलेंसिंग करते जाएंगे, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। चलो पढ़ते क्या बोल रहा। प्रैक्टिस मैनुअल में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। लिखा इंदिरा हैज अ फंड, भैया इंदिरा के पास कितना फंड है? बोले 3 लाख रुपए है। ठीक है जी, वो क्या करना चाहती है? तो बोले सी वांट्स टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट विथ रीबैलेंसिंग टारगेट आफ्टर एवरी 10 डेज। बोले 10 दिन, आज से 10 दिन, फिर 10 दिन, इस तरह से रीबैलेंसिंग करेंगे विथ फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम नाउ। आज से 1 माह तक रीबैलेंसिंग होगा। आज लगा दोगे, फिर 10 दिन बाद फिर देखेंगे क्या बढ़ा कम हुआ, फिर 10 दिन बाद देखेंगे क्या बढ़ा कम हुआ, इस तरह से रीबैलेंसिंग चलेगा। ठीक है, द प्रेजेंट निफ्टी दे रखा 5326, ठीक है, एंड द मिनिमम निफ्टी विद इन अ पीरियड कैन एट मोस्ट 4793.4। सुनोगे सुनोगे बेटे, ये काम की चीज है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा ये आज और यहां पूरा हो जाएगा 30 दिन, और आपको रीबैलेंसिंग करना हर 10-10 दिन में। ठीक है, कर लेंगे आज 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन का बोलेंगे तो 30 दिन का कर लेंगे। बोले आज निफ्टी कितना है? आज निफ्टी का रेट, निफ्टी का मतलब मार्केट, आज T0, आज निफ्टी का प्राइस कितना दिया? 5326। और मिनिमम निफ्टी आफ्टर 1 मंथ, बोले 1 माह बाद मिनिमम निफ्टी कितना हो सकता है? मिनिमम निफ्टी, और मिनिमम निफ्टी कितना हो सकता है? बोल रहा है 4793.4। मुझको मालूम है भाई मार्केट गिरेगा, पर मार्केट अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा? बोले यहां से 1 माह बाद यहीं पहुंचेगा ना, तो भाई मैं भी जो पैसा लगाऊंगा मैं भी तो एक अपनी मिनिमम वैल्यू सेट कर लूंगा। याद करो जिसको आप फ्लोर बोलते हैं, तो मिनिमम वैल्यू मैं मार्केट को देखते हुए सेट कर लूंगा कि भाई इतना गिरेगा, मतलब अगर निफ्टी यहां से मुझे ये निफ्टी का रेट हो जाएगा तो उसी हिसाब से मुझे वो भी। एक बार बताओगे कि निफ्टी कितने परसेंटेज से गिर रहा है? हाँ सर निकाल सकते हैं, 5326 माइनस 4793.40 डिवाइडेड बाय 5326 इंटू 100। 5326 माइनस 4793.4 डिवाइडेड बाय 5326 इंटू 100। तो बोले 10% से डाउन हो रहा, डाउन, तो इसका मतलब है भैया 90% तो हमको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम वैल्यू 90%, दिस इज फ्लोर। फ्लोर मतलब जो भी क्लाइंट है, जो भी है, वो तो यही कहेगा मुझसे कि भैया मुझको भी 90% चाहिए। जितना पैसा लगा रहा है बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर गिरेगा तो मुझे 90% तो चाहिए चाहिए फ्लोर वैल्यू। देख लेते हैं 90% किसका निकालना।
लिखा हुआ सी वांट टू नो एज टू हाउ शी शुड रिबैलेंस हर हर पोर्टफोलियो, ठीक है, अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी CPPI यूजिंग टू एज द मल्टीप्लायर। और आपको पोर्टफोलियो बताना इमीजिएटली टू स्टार्ट विथ 10 डेज, लेटर बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ रीबैलेंसिंग। निफ्टी गिर गया 5122 से, ठीक है, देख लेंगे। और फिर फर्दर 10 डेज जो निफ्टी है फ्रॉम द अबो डेट, ऊपर वाली डेट से फिर निफ्टी टच हो गया 5539 पॉइंट। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट वैल्यू ऑफ हर इक्विटी कंपोनेंट विल चेंज इन टैंडम विथ दैट। ओहो, सुना, ध्यान से बोले, निफ्टी जितना चेंज होगा इक्विटी भी उतना ही चेंज होगा, ठीक है, निफ्टी बढ़ेगा इक्विटी बढ़ेगा उसी रेशो में। द रिस्क फ्री सिक्योरिटी इन विच सी इज गोइंग टू इन्वेस्ट विल हैव नो बीटा। बोले जो बॉन्ड में पैसा लगा रहे हो ना, इसका कोई बीटा नहीं है, ठीक है, वैसे भी हम नहीं लेते। इसका मतलब है अगर निफ्टी आज इतना है और हम मुझे मालूम है कि मिनिमम मुझको इतना मिलेगा, तो क्या मैं अपना निफ्टी के हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से ही चेंज होगा तो मुझे फ्लोर निकाल सकता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो भैया फ्लोर कितना कितना मुझे मिनिमम मिलना चाहिए। तो अगर मैं पहले यहाँ गिवन करके लिख दूँ तो दिक्कत नहीं होगी, गिवन। एक तो एसेट मालूम है हमको कितना, 3 लाख। फ्लोर भाई मिनिमम कितना, तो 3 लाख का 90% तो मिलना ही चाहिए हम लोगों को, उससे कम नहीं चलेगा। 2,70,000 मल्टीप्लायर कितना दिया, 2। बस और तो कुछ काम की चीज नहीं है। रिस्क फ्री में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है तो ज्यादा झंझट है नहीं इसमें। तो सबसे पहले बात करते आज की, ये वाला T0। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 टाइम 0 पीरियड, या फिर लिख देता हूं इमीजिएटली। आज क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, फॉर्मूला क्या हमारा, ई इज इक्वल टू एम ए माइनस एफ। तो चेक कर दे इक्विटी में कितना पैसा लगेगा, मल्टीप्लायर कितना है भाई, 2। टोटल एसेट कितना है, 3 लाख। और फ्लोर वैल्यू कितना, 2,70,000। तो इक्विटी में कितना पैसा लगेगा, 60,000। और रिस्क फ्री सिक्योरिटी को मैं बॉन्ड्स बोल सकता हूं, बॉन्ड्स। तो भाई टोटल सामने वाले क्लाइंट का पैसा 3 लाख, उसमें से 60,000 रुपए हमने इक्विटी में लगा दिया, तो बॉन्ड्स में कितना लग गया, 2,40,000। और बेवकूफी की बात यह है कि बॉन्ड पे इंटरेस्ट का रेट भी नहीं दिया, तो मान लो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये आज की सिचुएशन है, आज 60,000 रुपए इक्विटी में लगाया और 2,40,000 आपने किस में लगा दिया, बॉन्ड्स में लगा दिया रिस्क फ्री पर, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू 10 डेज, आपसे 10 दिन बाद क्या है टाइम, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद सबसे पहले मुझे इक्विटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितना पैसा लगाया था, 60,000। जब लगाया था तब निफ्टी कितना था, 5326, ठीक है। अब निफ्टी कितना हो गया 10 दिन बाद, क्योंकि निफ्टी के बढ़ने से मेरा वैल्यू इक्विटी का वैल्यू बढ़ेगा और निफ्टी के कम होने से कम हो जाएगा। निफ्टी कितना है, 5122.96। चेक कर लेते इक्विटी, 60,000 डिवाइडेड बाय 5326 इंटू 5122.96। तो ये आ गया बेटे रुपीज, इक्विटी का वैल्यू 577713 ले लेता हूँ, 13। और सर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में बेटे मान के चल रहा हूँ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं, मानना क्या, वो आपके प्रैक्टिस मैनुअल ने भी माना है, तो ठीक है, अब तो कोई इश्यू ही नहीं है। 2,40,000। तो टोटल मेरे पास एसेट्स कितने का हो गया 10 दिन बाद, पोर्टफोलियो 577713 प्लस 2,40,000, तो ये हो गया 29777713, ठीक है यहां तक।
सर तो क्या अब रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा? हाँ बेटे हाँ, रीबैलेंसिंग तो करना ही पड़ेगा, वही तो हम सीख रहे हैं। रीबैलेंसिंग सोच के बताना, इक्विटी कम हो गया कि बढ़ गया? सर इक्विटी जो है 60,000 लगाया था, इतना ही बचा, कम हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें से इक्विटी से पैसा निकालेंगे और बॉन्ड में लगाएंगे, यही तो सीपीपीआई बोलता है। और देखो फॉर्मूले से वैसे ही कुछ होने वाला, फॉर्मूला जो है वो यही बताता है। अब फॉर्मूला में जब मैं लगाऊंगा ना, तो इक्विटी कम हो जाएगा क्योंकि भाई ये गिर गया, और इसका पैसा निकल कर बॉन्ड में लग जाएगा। ठीक, तो अब रिबैलेंसिंग कर रहे हैं और हमारा फॉर्मूला ई इज इक्वल टू टोटल एसेट मल्टीप्लायर कितना है बेटे? मल्टीप्लायर तो टू ही रहेगा, टू पोर्टफोलियो 297,713, और फ्लोर वैल्यू वही रहेगा 2,70,000। इंटरेस्ट होता तो इसमें मैं इंटरेस्ट ऐड कर देता। चेक कर लेते इक्विटी कितना आ रहा, 297,713 माइनस 2,70,000 इंटू टू, तो इक्विटी में लग गया 55,426। और रिस्क फ्री सिक्योरिटी में मतलब बॉन्ड्स में पैसा लगा, टोटल हमारे पास था 297,713, उसमें से ये पैसा लग गया इक्विटी में 4,455,426 माइनस 297,713, तो बॉन्ड्स में पैसा लगा 2,42,287। अब सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो। हाँ सर दिख रहा है, बॉन्ड 2,40 का था तो बढ़ गया, दिखना चाहिए कितने से बढ़ा, 2,287। और ये बॉन्ड्स में एक्स्ट्रा पैसा आया कहाँ से? इक्विटी बेच दिया आपने, इतना था इक्विटी, इतना ही इक्विटी बचा। अगर डिफरेंस निकालो 57713 माइनस 55426, उतना ही पैसा आएगा 2,287। इट मीन्स फंड ट्रांसफर, ये जरूरत नहीं है लिखने की, रुपीज 2,287 कहां से कहां? फ्रॉम इक्विटी टू बॉन्ड्स। और सीपीपीआई भी यही बोलता है, हमारी थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो चीज गिर जाती है उसको बेच दीजिए और बॉन्ड्स में पैसा लगा दीजिए। ठीक, तो ये कब रिबैलेंसिंग किया आपने? 10 दिन बाद। अब कब की बात करते हैं? 20 दिन बाद। फिर क्या होगा? 30 दिन बाद। काश वो पूछता, पर पूछा ही नहीं है, बस 20 दिन बाद का आपको बताना है रिबैलेंसिंग करके। ठीक है, टी इज इक्वल टू 20 डेज। अब फिर से ले लेते हैं इक्विटी, बताओ बेटे कितना पैसा लगा था? 55426। जिस दिन ये पैसा लगा है 10 दिन में, उस दिन निफ्टी कितना था? निफ्टी था 5122.96, और आज 20 दिन बाद कितना हो गया पिछले लेवल से? 5539.04। चेक कर लेते कितना आएगा, 55426 डिवाइडेड बाय 5122.96 इंटू 5539.04, तो बेटे ये आ गया 5998। ले लूँ इसको? हाँ सर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्विटी पहले था 5 और ये बढ़ गया, तो मालूम है अब रीबैलेंसिंग में क्या होगा? अब बॉन्ड से पैसा निकलेगा और यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और बॉन्ड में कितना पैसा लगा हुआ जरा देखते, बॉन्ड्स में तो जितना कि उतना ही, यहाँ बॉन्ड्स में कितना आ गया था हमारा 2,42,287, तो 2,42,287 प्लस 5,99,28, तो ये आ गए एसेट्स 302,215, ये आ गए टोटल एसेट। नो डाउट कि इक्विटी बढ़ा है, बॉन्ड से पैसा निकलेगा और इक्विटी में बढ़े लगेगा, यही हमारा सीपीपीआई बोलता है। तो चलो आओ रिबैलेंसिंग कर लेते और क्वेश्चन खत्म करते। रिबैलेंसिंग
तो रीबैलेंसिंग करने का हमारा सीपीपीआई का इक्वेशन है ई मल्टीप्लायर कितना है 2,15 माइनस फ्लोर कितना रहेगा, फ्लोर उतना ही रहेगा 2,70,000। तो देख लेते हैं 302,215 माइनस 2,70,000 इंटू टू, तो ये आ गया बेटे 64,430। पक्का इक्विटी बढ़ा, मतलब बॉन्ड्स का कितना लगेगा, बॉन्ड्स टोटल है 302,215 माइनस 64,430, तो ये आ गए 237,785। बोलो बेटे इक्विटी बढ़ा? हाँ सर पिछले लेवल से बढ़ा, तो आपने इक्विटी में ज्यादा पैसा लगा दिया। बताओ कितना लगाया, पहले था 59,928 माइनस 64,430, कितना रुपए ज्यादा लग गया दिखना चाहिए आपको, 4,502। ये पैसा कहाँ से आएगा, बॉन्ड बेचकर। 2,42,287 पहले बॉन्ड में इतना था, अब बचा माइनस 2,37,785, 4,520। सर इससे क्या प्रूव हो रहा है बेटे, बस इतना प्रूव हो रहा है कि हमारा जो सीपीपीआई की थ्योरी है वो यहाँ फुल प्रूफ हो गई कि हाँ जी ऐसे ही होता है। तो लिख दे इसको भी, हाँ सर फंड ट्रांसफर फ्रॉम बॉन्ड्स टू इक्विटी बाय रुपीस 4,502। सर भगवान ना करे अगर यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो रिस्क फ्री का, तो फिर बेटे जैसा मैंने एग्जाम्पल में करवाया वैसे ही कर लेते। तो ये था क्वेश्चन एक, सीपीपीआई से रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन है इसमें मिस सुनिधि वाला क्वेश्चन है, बस वही हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 81 जो अभी थोड़ी देर बात करते हैं, मिस सुनिधि वाला। पर इसके लिए एक दूसरा तरीका, दूसरी मेथड है जिसका नाम है कॉन्स्टेंट रेशियो प्लान, जैसे वो करवाऊंगा मिस सुनिधि वाला क्वेश्चन हमारा पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग खत्म हो जाएगा।